Awakening with Brahma Kumaris. Om Shanti. इन दिनों हम बात कर रहे हैं क्रोध की, यानी कि एंगर की. हमने ये देखा कि इमोशन, जिसे हम अभी तक बहुत अपनी ताकत मान लेते थे, कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी है और उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं या उसको आने से पहले एक पॉजिटिव फीलिंग को रख सकते हैं. हमने ये भी जाना कि जिस एंगर को हम कई बार जस्टिफाइड मानते थे, कई सारी गलत मान्यताओं को लेकर हम उसे जस्टिफाई करते थे या उसे सही मानते रहे थे, वो कितना अनहेल्दी हो जाता है हमारे लिए. और एक कारण कि हम क्रोध क्यों करते हैं वो भी सामने आया था, क्योंकि जो हम जैसा हम दुनिया को देखना चाहते हैं, जब वैसा नहीं हो रहा होता कोई व्यक्ति या सिचुएशन, तब हमें गुस्सा आता है. उसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं कि क्यों गुस्सा आता है. इस पर और किस तरह से इस क्रोध को कम किया जा सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए आइए मुलाकात करते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी से. ओम शांति. ओम शांति सिस्टर शिवानी. एक कारण जिस पर हमने पिछली कड़ी को छोड़ा था, वो जो था कि जिस नज़र से हम दुनिया को चाहते हैं, जो चाहते हैं हम कि ऐसा हो, जब नहीं हो रहा होता ऐसा, तब गुस्सा आता है. मुझे अभी भी एक वो फिल्म याद आया कि अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है. तो उसके अलावा, ये तो एक बात हुई, उसके अलावा और भी कई कारण हैं. ये ही सबसे बड़ा कारण है और यही डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आप हर टाइम पर देखेंगे. अंदर यहाँ पर हमने एक इमेज बनाई हुई है कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए, या लोगों को कैसा होना चाहिए, या लोगों को मेरे साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए. इसकी एक इमेज हर एक की मेरे अंदर बनी हुई है. अब जो आउटर रियलिटी होगी वो सेम तो होने वाली नहीं है. तो जब भी वो आउटर रियलिटी मेरी वो इमेज के साथ मैच नहीं करती है, तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होना शुरू होता है, विच इज़ अ साइन दैट मेरे अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि मैं अपनी अंदर की इमेज को जो आउटर रियलिटी हो रही है उसके साथ एडजस्ट कर पाऊँ. मैं अपनी अंदर जो इमेज बनाई है उसको पकड़ कर रखा है. किसी भी सिचुएशन किसी भी व्यक्ति को, आपको इस तरह से बिहेव करना चाहिए, ये मैंने इमेज बनाई है. अब आप थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करते हैं, या आपका काम करने का तरीका अलग है, या आप शायद उतना एफिशिएंटली काम नहीं करते हैं, वट एवर डिफरेंट रीजंस, तो यहाँ अंदर डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि मेरे अंदर वो पावर नहीं है कि मैं अपनी इमेज को चेंज कर सकूं जल्दी से. इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, इससे मुझे एक बात याद आती है कि हमने जब पहले बात की थी, ईगो की बात की थी, अगेन दैट वाज अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माय ओन सेल्फ. सो जो इमेज है, मुझे लगता है जो फिक्स चीज़ें हम कर लेते हैं अपनी लाइफ में, वही प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं कहीं ना कहीं. तो फ्लेक्सिबिलिटी फिनिश हो जाती है ना. आपको इस तरह से काम करना चाहिए था, नाउ दैट्स एन इमेज. अगर आप थोड़ा सा भी उससे कुछ डिफरेंट कर देते हैं एंड आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट, देन आई विल गेट एंग्री. तो एंगर हमेशा इसी बात से होगा कि आप वैसा क्यों नहीं कर रहे जैसा मैं चाहती हूँ, या आप वो क्यों कर रहे हैं जो मुझे अच्छा नहीं लग. सो आई वॉन्ट यू टू बी द वे आई वॉन्ट यू टू बी, आई वॉन्ट थिंग्स टू बी द वे आई वॉन्ट देम टू बी. और जब वो उस तरह से नहीं होंगे तो मेरा गुस्सा करना जायज है. तो उस समय पर अगर हम देखा जाए, क्योंकि अंदर ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उस समय पर इसको टेम्प्ररी पागलपन हम कह सकते हैं. दैट्स वाई एंगर इज यू नो मैडनेस, इट इज़ टेम्प्ररी मैडनेस. हमेशा अगर हम सारा दिन में चेक करें कि जब भी गुस्सा हमें आता है तो तीन चीज़ों के साथ हमारा गुस्सा होता है, हमारा अंदर युद्ध एक चल रहा है. या तो जो बीत गया, जो पास्ट हो गया, उसके साथ हमारा गुस्सा है. क्योंकि जब भी किसी सिचुएशन पर हमें गुस्सा आएगा तो सिचुएशन तो जस्ट गुजर चुकी है. अब उसके गुजरने के बाद हम गुस्सा कर रहे हैं, मीन्स व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल दैट व्हिच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. दैट्स वंडरफुल. बिफोर वी गो हेड, आई थिंक इसको रब इन और कर लेते हैं हम, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अभी हमारे सभी दर्शकों के लिए भी, मेरे लिए भी शायद, कि इम्पॉसिबल है किसी भी सिचुएशन या किसी भी व्यक्ति को कंट्रोल करके उसे चेंज करना. एब्सोल्युटली, इट्स इम्पॉसिबल. एंड वी ऑलवेज थिंक इट्स द इजीएस्ट थिंग. इट्स इम्पॉसिबल, ये असंभव है. बिकॉज वही जो सेकेंड चीज़, हम एक चीज़ हम करते हैं, हम पास्ट को सारा दिन कंट्रोल कर रहे हैं, सेकेंड हम लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि दूसरा, पहली चीज़ मेरी एंगर होगी एक सिचुएशन पर, ऐसा नहीं होना चाहिए था, सो आई एम फाइटिंग इनसाइड विद दैट. सेकेंड, आई एम फाइटिंग अगेंस्ट पीपल इंटरनली. वाई? क्योंकि लोगों को वो करना चाहिए
जो मुझे चाहिए। तो जब वो वैसा नहीं करते तो मुझे गुस्सा आता है, तो मैं किसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, दूसरे लोगों को, विच इज़ अगेन इम्पॉसिबल। इट इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज द डिक्टेटर्स, जो भी डिक्टेटर्स भी आज तक हम सुनते हैं, थिंक ऑफ द वर्स्ट डिक्टेटर, दे कैन नॉट कंट्रोल पीपल बिकॉज हर एक की अपनी पावर है सोचने की और डिसीशन लेने की। हर एक अपने अनुसार डिसीशन लेता है। हमें लगता है कि हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, एक्चुअली नहीं, वो चूज कर रहा है डर में जीने का। उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो चूज करेंगे कि वो डर की जीवन नहीं जिएंगे। इफ आई हैव द पावर टू कंट्रोल देन आई शुड बी एबल टू कंट्रोल एवरीवन, देन व्हाई ओनली अ फ्यू। तो नोबडी कैन कंट्रोल पीपल, इसलिए लोगों को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दैट विल कॉन्स्टेंटली क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट, अंदर एक डिस्टर्बेंस सारा दिन चलना रहेगा और ये फिर कॉन्स्टेंट रहेगा, ये ऐसे क्यों कर रहा, इसे ऐसे नहीं करना चाहिए, इसे ऐसे बोलना चाहिए, यू नो, ये एक कॉन्स्टेंट हैबिट बन जाती है सारा दिन लोगों को करेक्ट करने की, उनको चेक करने की, चेंज करने की कोशिश करने की, और फिर जब वो नहीं कर पाते तब इरिटेशन शुरू हो जाती है। तो छोटी सी बात नहीं समझ सकते, आपको कितनी बार कहा आप अभी भी नहीं करते हो, तो फिर वो और एंगर जेनरेट होता है। तो इट्स ईदर फाइटिंग विद द पास्ट और फाइटिंग विद पीपल, एंड द थर्ड इज फाइटिंग इनसाइड विद योर सेल्फ। हमारा अपने आप से भी एक युद्ध जो है वो सारा दिन अंदर चलता ही रहता है, क्योंकि बहुत बार हम अंदर अपने आप से भी हार जाते हैं। तो वो एक अंदर एक लड़ाई अपने आप से चलती रहती है जो हम बाहर बताना नहीं चाहते हैं, तो वो फिर एक एंगर के रूप में निकालते हैं। और अंदर युद्ध भी क्यों चलती है, क्योंकि ये जो दो चीज़ें थी, पास्ट को चेंज करने की आदत और लोगों को चेंज करने की आदत, दोनों में हम फेल होते हैं। हम कोशिश कॉन्स्टेंटली वो करते हैं, फेल कॉन्स्टेंटली होते हैं दोनों पर, तो अंदर क्या होगा, गुस्सा अपने ऊपर, फ्रस्ट्रेशन, यू नो, लाइक दिस इज बिकॉज फेलियर विल एक्चुअली ऑलवेज ब्रिंग डिप्रेशन। सो आई एम फेलिंग ना, आई एम ट्राइंग कॉन्स्टेंटली एंड फेलिंग कॉन्स्टेंटली टू कंट्रोल सिचुएशंस एंड पीपल, दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एंगर इन माई सेल्फ ऑन मी। मेरा अपने ऊपर गुस्सा है कि ये क्यों मेरी बात नहीं मानते हैं, तो इसका मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगता है। तो जब भी गुस्सा आ रहा है, इस तरह से हम गुस्सा कर रहे हैं, अपने आप से रुक कर, इफ यू कैन स्टॉप अगेन, आस्क योर सेल्फ, किसको गुस्सा आ रहा है, ये गुस्सा क्रिएट कौन कर रहा है, और इसमें सफ़र कौन कर रहा है। ये जैसे ही आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप को दोगे कि इस टाइम सफ़र कौन कर रहा है, भोगना किसकी हो रही है, यू विल गेट द आंसर। एंड अगर आपका अपने आप से युद्ध चल रहा है, तो अपने आप को याद दिलाओ कि इट्स ओके, यू हैवंट फेल्ड एट एनीथिंग, इट्स जस्ट ओके, इट्स फाइन, इट्स ओवर। एंड फिर भी अगर गुस्सा नहीं कम हो रहा हो, जस्ट आस्क योरसेल्फ वन मोर क्वेश्चन, कितनी देर करना और। इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल, ईजिएस्ट वे, बिकॉज करना क्या है, कॉन्शियसनेस को ट्रिगर करना ना, अंदर अपने हालचाल पूछना है। तो जैसे अगर कोई गुस्सा कर रहा हो एंड यू नो हैव टू टेल हिम कि आप अपना नुकसान कर रहे हो, तो पहले तो आप पूछो आप किसका नुकसान कर रहे हो। अब किसी और से नहीं पूछना, अपने आप से पूछना कि इस टाइम किसका नुकसान हो रहा है, और फिर भी वो करते जाओ, आप करते जाओ, तो जस्ट एक सेकंड के लिए अपने आप से पूछो, और कितनी देर, फॉर हाउ लॉन्ग, यस, यू नो, इफ यू कैन आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग, Just watch what happens. Because अपना नुकसान खुद से कोई नहीं करना चाहता. It's actually like a, you know, a cold shower. Yeah. You know, it's like a slap. Okay, come on, hold on. अपना नुकसान करो, कितनी देर के लिए और करना? And immediately you will want to tell yourself, no more. No, stop. No more. अपना नुकसान मैं क्यों करूँ? तो इट्स यू नो ये जो हैबिट अपने आप में डालनी होगी, ये एवरीडे बेसिस पर चलती है, और इसलिए वो जो 1 घंटे में 1 मिनट का पॉज होता है, इट हेल्प्स टू डू ऑल दीज थिंग्स। एक बात ये थी कि हम लोगों को चेंज करने की कोशिश करते हैं तब प्रॉब्लम आती है, ये सिचुएशंस को। यहाँ टीचर और स्टूडेंट की बात अगर हम लेते हैं, टीचर इज़ ऑलवेज देयर टू टीच समथिंग, यू नो, एक कहीं ना कहीं, और उसमें ये लगता है कि उन्हें समझाना ज़रूरी है, उनको बताना बहुत ज़रूरी है। तो कई बार टीचर फील्स कि दे नीड टू चेंज द पीपल, द स्टूडेंट। तो ऐसे में ये जो सिचुएशन है कि
तो वही हमने पहले भी देखा कि कंट्रोल नहीं इन्फ्लुएंस. यू वॉन्ट टू चेंज द स्टूडेंट, या आप उनके अंदर जो भी परिवर्तन लाना चाहते हैं, सबसे पहले वो परिवर्तन, यू नो इट्स, आप किसी के अंदर कोई गलती को सुधारना चाहते हैं, उसके लिए आप गलती नहीं कर सकते. दैट इज़ नो जस्टिफिकेशन एट ऑल. क्योंकि जब हमें समझ में आ गया कि गुस्सा करना एक मेरी गलती है, और अभी आप कोई गलती कर रहे हैं, और आपकी गलती को सुधारने के लिए मैं और एक गलती करूँ, तो परमात्मा शिव बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि दूसरे की गलती को सुधारने के लिए आप गलत करते हैं. हाउ फार इज़ इट जस्टिफाइड? आप जस्टिफिकेशन की बात करते हैं, कहते बाबा लेकिन आपको क्या पता उन्होंने क्या किया. तो उन्होंने जो किया वो किया, आपने क्या किया? तो आपने उन्होंने जैसे हम कह देते हैं उन्होंने झूठ बोला, लेकिन मुझसे झूठ सहन नहीं होता. अच्छा, उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने गलती की, तो आपने क्या किया? आपने एक और गलती की. तो आर यू ऑथराइज्ड टू शाउट एट द अदर पर्सन? आर यू ऑथराइज्ड टू करेक्ट द अदर पर्सन बाय मेकिंग अ मिस्टेक योरसेल्फ? नो. करेक्ट आपको वही कर सकता है जो खुद सही रास्ते पे चल रहा है. I cannot go out of control and control you. I'm not justified to do that. एक और बात जो हम कहते हैं बहुत बार कि उन्होंने तो इतना किया, मैंने तो इतने पे ही खत्म किया, मैंने तो थोड़ा ही किया. तो उन्होंने बड़ी गलती की, मैंने छोटी गलती की. Not justified again. गलती तो गलती है. क्योंकि again वो गलती मुझे तंग कर रही है. सबसे important is I think we really need to understand. हम वो दूसरे पर एहसान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ने तो इतना किया, मैंने तो इतना ही किया. बट इट्स नॉट फॉर द अदर पर्सन. उसने तो इतना नुकसान अपना किया, लेकिन आपने भी इतना नुकसान अपना तो किया ना. तो वो आपको अपने आप को जवाब देना है कि आप बार बार अपना नुकसान क्यों करते हैं. यह हम एक और मैं बात जोड़ना चाहूँगी कि हम कई बार कहते हैं शिव बाबा की जैसे बात कर रहे हैं कि आपके लिए आपके लिए मैंने इतना किया, या आपके लिए मैं ये करना चाहता. अगेन इट्स एक्चुअली नॉट फॉर एनीवन, नॉट फॉर एनीवन, इट्स जस्ट फॉर मायसेल्फ. क्योंकि कई बार हम ये करते हैं कि आप ऐसा कहते हो, सो आई एम डूइंग इट दिस वे, बट देन अगेन इट्स बिकॉज समवेयर इट इज यू नो मेरे ही प्रॉब्लम, मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. एब्सोल्युटली. तो इवन जो टीचर स्टूडेंट आपने कहा, टीचर डेफिनेटली पेरेंट चाइल्ड पे वो डेफिनेटली आप बच्चे का अच्छा चाहते हो, तो आप कॉन्स्टेंटली बच्चे को गाइड करते रहोगे, बट उसके साथ आप वो पॉजिटिव एनर्जी भेजोगे. अगर आप गुस्सा कर देते हो देन यू कांट. तो आप उनको बता दोगे, इंस्पायर कर दोगे, एंड फिर चेंज होना या ना होना उसकी फ्रीडम. वैसे भी आप फोर्सफुल नहीं, वो देनी नहीं पड़ेगी, आपके पास चॉइस भी नहीं है. अगेन वी डोंट गिव फ्रीडम, द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू दैट फ्रीडम. आप ये नहीं कह सकते ठीक है मैंने आपको बता दिया, आप करना या नहीं करना ये आपकी मर्जी है. वो तो वैसे भी उसकी मर्जी है. हम जबरदस्ती तो करवा ही नहीं सकते. ये तो सिर्फ हम अपने आप को ही इस तरह से खुश करते रहते हैं, बट एक्चुअली इट्स देयर चॉइस. तो हम पूरी तरह से उनको सारी राय दें जो देनी है, लेकिन उसके बाद वी हैव टू लीव इट. वी कांट से, यू नो दैट्स डिटैचमेंट, कि आप दे दें, बता दें, और फिर साक्षी हो जाएं एंड वेट फॉर देम टू डू इट. नो देन तब हमारे हमें प्रॉब्लम ये शुरू हो जाती है कि अब ये चेंज क्यों नहीं हो रहा. तो देन एक्सपेक्टेशन, फिर वो एक्सपेक्टेशन है कि वो हमारे कहे अनुसार क्यों नहीं चलते. यू नो गुस्से को ख़त्म करने का सिंपल बहुत ईजी तरीका, हैव नो एक्सपेक्टेशंस. आप किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखो. एक दिन के लिए करके रखो. इफ़ यू फाइंड दिस वेरी डिफिकल्ट टू डू, एक दिन के लिए करना कि मुझे आज सारा दिन में किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है. जिसको जैसा करना है जैसे चलना. वी डोंट हैव टू से टू देम कि आपको जो करना है जैसे. लेकिन प्रॉब्लम ये है सिस्टर शिवानी, ज़रूर मैं ये कहना चाहूँगी कि आई थिंक हम में से हर कोई, हर बार जब ये बात हो रही होती है कि किसी से कोई उम्मीद नहीं रखो, हमें से हर कोई ये कहता है कि हम तो कोई उम्मीद नहीं रखते. मुझे तो अपने बच्चों से भी कोई उम्मीद नहीं है, मुझे तो किसी से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे तो दुनिया से कोई उम्मीद नहीं है. लेकिन व्हाट इज एग्जैक्टली मेंट बाय सी एक्सपेक्टेशन इज एट एवरी स्टेप. एक्चुअली हमें एक्सपेक्टेशन है. आपको टाइम पर आना चाहिए था, ये एक्सपेक्टेशन है. आपने अपना काम ठीक से क्यों नहीं किया, ये एक्सपेक्टेशन है. आपने प्यार से मुझसे क्यों नहीं बात की, ये एक्सपेक्टेशन है. आपने उल्टा जवाब क्यों दे दिया, ये एक्सपेक्टेशन है. एक्सपेक्टेशंस कोई बहुत बड़ी बड़ी नहीं हमेशा होने वाली है कि मैं जब बड़ी हो जाऊँ, बच्चे बड़े हो जाएं, तब वो मेरा ध्यान. वो तो मोटे रूप एक्सपेक्टेशन, हर स्टेप पे एक्सपेक्टेशन. तो वो हर स्टेप पे जो एक्सपेक्टेशन है, जब वो मीट नहीं होगी तो गुस्सा आएगा. बिकॉज एक्सपेक्टेशन मतलब क्या, मेरा वो इमेज है एंड आई वॉन्ट यू टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू दैट इमेज. आप नहीं करेंगे डिस्टर्ब. लेकिन हम उसे कहते हैं कि ये तो आपका कर्तव्य था, आपको करना चाहिए. सी अगेन एक्सपेक्टेशन ना, अगेन
कर्तव्य था ये भी किसने डिसाइड किया? मैंने डिसाइड किया कि ये आपका कर्तव्य था. तो फिर मेरी इमेज, तो अब आपकी इमेज डिफरेंट है, ये मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हूँ. सो प्लीज़ बिकम लाइक माई इमेज, एंड इफ़ यू डोंट बिकम लाइक ये माई इमेज, आई एम अलाउड टू गेट एंग्री. द होल डे दैट इज़ गोइंग ऑन, सारा दिन हर स्टेप पे यही है. सिर्फ एक दिन का एक्सपेरिमेंट ये करना एंड जस्ट सी हाउ यू फील. टुडे होल डे नो एक्सपेक्टेशन. कोई कैसा भी बात करे, कोई कुछ भी बोले, कोई कैसे भी काम करे, I will discipline them, but no expectation. अच्छा एक और बात है. ओके, दिस इज़ वंडरफुल. आई एम से लाइक विल ट्राई टू डू दैट. एक तो सबसे पहले बात जो हमें समझ में आई वो ये कि एक इम्पॉसिबल जो चीज़ है वो ये कि मैं कभी भी ना सिचुएशंस को चेंज कर सक कंट्रोल कर सकती हूँ, ना मैं लोगों को कंट्रोल कर सकती हूँ, जो कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि इट्स इन माई हैंड्स. सेकेंड, आपने कहा कि कहीं ना कहीं जो सिचुएशंस हैं या लोग हैं उनसे एक्सपेक्टेशंस एक दिन के लिए हम ख़त्म करके देखें, ये एक्सपेरिमेंट करके देखें. हमसे जब उम्मीद की जाती है, अब थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, कोई हमें गुस्सा करे नहीं. okay. गुस्सा ही नहीं, हमसे उम्मीद, गुस्सा मुझे तब भी आता है कि मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो. आई एम आई गॉड, क्या मैं सब कुछ कर दूंगी, क्या मुझसे कितनी उम्मीदें रखोगे, मुझसे कितनी एक्सपेक्टेशंस करोगे. और उन एक्सपेक्टेशंस को जब हम नहीं मीट कर पाते, विच आई एक्चुअली गो थ्रू अ लॉट, सो एंगर इज देयर, यू नो आई डू गेट एंग्री कि मुझसे कितनी उम्मीद करोगे. राइट, तो दैट इज व्हाई इज इट हैपनिंग, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली दूसरों को खुश करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है. मेरी सेल्फ एस्टीम उस चीज़ पर बेस्ड है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं. तो इसलिए आपको खुश करना ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं उसके अनुसार करना शुरू कर देती हूँ, विच इज़ ओके. व्हेन वी आर वर्किंग इन रिलेशनशिप्स टुगेदर, वी डू थिंग्स फॉर ईच अदर. लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मेरी अपने आप से एक्सपेक्टेशन क्या है, पहले उसको सेट करें. क्योंकि अगर उसके अगेंस्ट जाके कुछ करने की कोशिश करेंगे, जैसे हम कहते हैं हम करना तो ये चाहते थे लेकिन कर ये रहे हैं इनके लिए, तो कभी खुशी नहीं होगी. यू नो, फिर हम बार बार बोल भी देते हैं मुझे तो ये करना था, आपके लिए ये किया. तो आपके लिए नहीं किया, मैंने डिसाइड किया कि मुझे आपको क्योंकि ये अच्छा लगता है, आई विल डू इट. लेकिन आपके लिए नहीं, मुझे अच्छा लगता है इसीलिए मैंने किया. तो देन देयर इज़ नो पेन अटैच्ड विद इट. Because let's start doing things what we want. Even if it is the things what other people want, but I have to make them things that I want. You know, I can't hold it like I did it for you. No. You want me to drink tea. Yahan chai padi aapke liye, please mere liye aap chai pi lijiye. Ab I never have tea. Mujhe chai nahi pasand hai. Aur phir bhi aap char bar force karte hain. Aap mere liye chai pijiye. Aap mere liye chai pijiye. Ab mujhe chahiye if I feel कि आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी. सी इट्स माई डिसीशन. अगर मैं पी लूँ और कहूँ मैंने आपके लिए पी लिया, दैट्स रॉन्ग, दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल. एक्चुअली मैंने आपके लिए नहीं पिया, बट मैं आपको खुश देखना चाहती थी एंड आई फेल्ट कि अगर ये पीने से यू आर हैप्पी, आई फेल्ट, सो आई थॉट आई विल डू दिस नॉट फॉर यू, फॉर माई सेल्फ, बिकॉज सीइंग यू हैप्पीनेस गिव्स मी हैप्पी, गिव्स मी हैप्पीनेस अल्टीमेटली. ओके, अगेन इट ऑल कम्स टू मी, मी एवरीथिंग. अगर मैं कुछ कर रही हूँ किसी के लिए, तो मुझे ये बात हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी या रखनी चाहिए, या अपने थॉट को हमें ऐसे बदलना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक हम करते ही इसीलिए हैं क्योंकि हमें अच्छा लग रहा होता Absolutely. है, और हर बार हम दूसरे पे एहसान ये डाल देते हैं कि आपके लिए पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि मैं अपने लिए कर रही हूँ. दैट मेक्स मी ऑलवेज वेरी लाइट, वेरी हल्का. लेकिन मैं क्यों कभी भी नहीं लेना चाहती, क्यों मैं अपने आप को, यू नो, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग क्यों बनते रहना चाहते हैं? क्योंकि उससे लगता है हमें औरों से वो मिलेगी सहानुभूति. बट व्हाई डू वी नीड दैट? बिकॉज़ माय सेल्फ एस्टीम इज वेरी लो. क्योंकि मुझे हर समय सबसे चाहिए, क्योंकि अंदर बर्तन बहुत खाली है. यू नो, तो आपसे प्यार चाहिए. तो मुझे लगता है अगर मैं आपको कहूँगी कि मैंने आपके लिए ये किया, तो आई विल गेट सो मच लव फ्रॉम यू. मैंने आपके लिए कर दिया, तो आई विल गेट सो मच अप्रिसिएशन फ्रॉम यू. मैंने आपके लिए ऐसा कर दिया, आई विल गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम यू. आई वॉन्ट फ्रॉम यू सो मच, तो आई मेक यू फील मैंने आपके लिए किया, इवन दो आई डिड इट फॉर माई सेल्फ. इट्स बिकॉज हमें सारा दिन चाहिए, क्योंकि ये अभी तक ये नहीं समझ में आया कि मैं ऑलरेडी हूँ. मुझे प्यार चाहिए नहीं, मैं तो हूँ ही, मैं हूँ ही. तो जब वो चेंज हो जाता है, देन मुझे चाहिए नहीं, इट इज़ मैं हूँ ही, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं हूँ ही वो, एंड आई कैन इनफैक्ट गिव. सिस्टर शिवानी, अभी आपने कहा कि एक दिन ऐसा रखते हैं कि नो एक्सपेक्टेशंस. तो नो एक्सपेक्टेशंस बेसिकली किस चीज़ में, किस तरह से रहेगा वो?
मतलब एक दिन आई विल लेट एवरीवन बी द वे दे वांट टू बी, मतलब एनीवेज आई हैव टू लेट देम बी व्हाट दे वांट टू बी, लेकिन माइंड में सारा दिन माइंड में ज़्यादा कंट्रोल चलता है कि ये ऐसे क्यों नहीं कर रहे, ऐसे क्यों नहीं, और फिर वो वर्ड्स में भी आ जाता है, लेकिन जितना वर्ड्स में आता है उससे कई गुना ज़्यादा मन में चल रहा होता है. यू नो, हर एक को देखते देखते हम अंदर की टोका टाकी तो बहुत ज़्यादा चल रही होती है. अभी तो कर कर के हम अपने आप को काफ़ी रोक लेते हैं कि बाहर नहीं बोलना चाहिए उतना, तो एक अंदर से हल्का रहना है बिकॉज इट्स नॉट अबाउट जस्ट आउटसाइड. तो एक दिन लेट एवरी वन बी द वे दे वॉन्ट टू बी, लेट एवरी वन स्पीक द वे दे वॉन्ट टू स्पीक एंड डू वॉट दे वॉन्ट टू डू इंटरनली, लेट एवरी वन गो. सिचुएशन, बच्चे का एग्ज़ाम होने वाला है, कल ही है एग्ज़ाम और बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है. अभी 12th के एग्ज़ाम रिजल्ट्स आए हैं बच्चों के और इतना ज़्यादा एंग्जाइटी से गुजरे हैं माँ बाप. वो उससे उम्मीद ना करूँ मैं कि वो पढ़ रहा है, पढ़े, क्योंकि कल ही एग्ज़ाम है, तो वो एक दिन बिना एक्सपेक्टेशंस के कैसे जाए. उससे उम्मीद ना मैं करूँ मतलब क्या, वो पढ़े, I will inspire him to study. लेकिन मेरी expectation जो मैं create कर देती हूँ कि उसको इतने ही लाने चाहिए, and then when he doesn't able to get that much, that creates so much of turmoil. मेरे लिए ज़्यादा important ये होना चाहिए कि अपनी study के साथ साथ वो mentally भी बहुत stable होकर उस exam को cross करे. Normally क्या होता है, parents इतनी anxiety अपने अंदर create कर देते हैं, तो वो anxiety सिर्फ उन तक नहीं रहकर बच्चों तक भी पहुंचती है, और बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी वो क्रिएट कर देती है. अब आपकी एक्सपेक्टेशन का क्या कर सकते हैं, अगर वो इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी उस बच्चे के अंदर क्रिएट कर देगा, हाउ फार इज़ इट गोइंग टू बी हेल्दी, इज़ दैट गुड. सी एट एवरी स्टेप वी डोंट से कि ओके डोंट यू वॉन्ट हिम टू डू वेल, बट ये जो आप एंग्जाइटी क्रिएट करेंगे उसके साथ, इज़ दैट गुड. क्योंकि एक्सपेक्टेशन करके क्या होगा, आप सारा दिन उसको ये रब इन करेंगे कि मुझे चाहिए कि आपके 90% आने चाहिए, मुझे चाहिए कि आपके 90% आने चाहिए, तो उसके अंदर भी एक वो बर्डन आ जाता है. एंड दैट इज़ व्हेन इफ़ दे आर नॉट एबल टू डू इट, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ पुटिंग इन द बेस्ट एफर्ट, अगर उनके वो 90% नहीं आते तो हमें पता है बच्चे क्या क्या कर लेते. अच्छा, अब तो और भी ज़्यादा आई थिंक आई वुड लाइक टू टॉक हियर इज़ कि अब हम ये नहीं कहते हैं कि मुझे चाहिए, बिकॉज ये तो माना नहीं जा रहा, ये तो इतनी बात की जा रही है कि अपने बच्चों से उम्मीद मत करो. सो वी क्रिएट एन एटमोसफेयर कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आज की डिमांड यही है. ये कहीं अपने साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं. कहीं ना कहीं हमें बहुत रियलिस्टिक होकर चलना पड़ेगा कि सबसे पहले ध्यान रखें कि बच्चा मेंटली स्टेबल होकर क्रॉस करे उस एग्ज़ाम को. मार्क्स तो आ जाएंगे, लेकिन व्हाट अबाउट द मेंटल टर्मोइल, क्योंकि जो पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, ओवरऑल हम एक पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं. पर्सनालिटी सिर्फ मार्क्स नहीं है, पर्सनालिटी इज़ मेंटल, स्पिरिचुअल, फिजिकल एंड देन योर अकेडमिक्स एंड एवरीथिंग. प्रायोरिटी को सेट करते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई नहीं करें, इसका मतलब ये नहीं कि मार्क्स नहीं चाहिए, लेकिन वेयर इज़ द बैलेंस. आपको मार्क्स चाहिए बट नॉट एट द कॉस्ट कि आप इतना टेंशन क्रिएट कर दें कि एक बच्चा बीमार पड़ जाए या मेंटली डिप्रेस्ड हो जाए या उसके अंदर वो एक सप्रेशन हो जाए जो उसकी पर्सनालिटी पर आगे जाकर रिफ्लेक्ट करे. समवेयर आई विल हैव टू स्ट्राइक द बैलेंस, क्योंकि कई बार हम इतना रब इन कर देते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो कुछ भी नहीं हो, आसपास के बच्चों को देखो वो, तो उससे हम बच्चे की सेल्फ इस्टीम को बहुत नीचे गिरा रहे हैं. नाउ इज़ दैट हेल्दी? एट एवरी स्टेप आई हैव टू सी द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, नॉट जस्ट मार्क्स आ गए. और अगर नहीं आए तो फिर उसके अंदर सारा दिन रबिन, तुम तो हो ही ऐसे, तुम्हारे से तो कुछ नहीं हो सकता. हम उसकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं, वो अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाता है ये सब सुन सुन के, सुन सुन के वो इस गिल्ट में जीने लगता है कि मेरे से तो कुछ नहीं हो सकता. तो आगे जब वो कुछ करने जाएगा लाइफ में, उसका ये लो सेल्फ एस्टीम जो हम जिम्मेवार थे क्रिएट करने के, दैट विल बी एन ऑब्स्टिकल. सो हाउ फार एम आई डूइंग गुड फॉर द चाइल्ड, यू नो? तो जब हम कुछ भी कर रहे हैं, हम उसके हर एस्पेक्ट को देखकर फिर करें, एक दूरादेशी जिसको बोलते हैं. और उसके बाद फिर अल्टीमेटली यू नो अंडरस्टैंडिंग दिस दैट ही इज एन इंडिपेंडेंट सोल, ही इज नॉट माय एक्सटेंशन. एब्सोल्युटली, आई एक्चुअली ही डज नॉट रिप्रेजेंट मी, यू नो, ही इज इंडिपेंडेंट और उसकी सक्सेस ही मेरी सक्सेस को प्रोजेक्ट करती है. बहुत बार पेरेंट्स अननोइंगली इसमें भी चलते जाते हैं और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. ऐसे सचिवानी, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन आज बहुत सी बातें क्लियर हुई कि जिस तरह से आपने कहा कि कैसे
अपने आप से या फिर लोगों से एक्सपेक्टेशंस या उम्मीदों की जो बात करते हैं, जो कभी हम समझ भी नहीं पाते कि हम उम्मीद रख रहे हैं अंदर, अगेन ये दैट कन्वर्सेशन हैज़ टू हैपन. सो वहाँ से शुरू करके फिर एक दिन कम से कम ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं जो गुस्से के कारण आज हम तलाश रहे थे. इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. ओम शांति. ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. अगर आपके पास कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हमसे पूछना चाहते हैं, आपका स्वागत है. आप हमें ईमेल द्वारा या फिर फ़ोन द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं. इफ़ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 0999974455. गुस्से का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, गुस्से के कारण क्या हैं, इनको जानने के बाद अभी भी सफ़र बाकी है, क्योंकि ये जानना है कि कितने प्रकार के गुस्से होते हैं और गुस्से को ख़त्म कैसे किया जाता है. तो आने वाली कड़ियों में इसको साथ मिलकर तलाशेंगे. अब दीजिए इजाज़त. ओम शांति. ओम शांति. Peaceful.